आज कैंट विधानसभा में कांग्रेस की एक बैठक राजेंद्र नगर में हुई, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि हम सभी कांग्रेसजनों को एकजुट होकर भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना है और हर हाल में कैंट विधानसभा को जीतकर कांग्रेस की सरकार बनानी है। श्री जोशी ने कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों और दोगुली नीतियों ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जनता के लिए इनके पास कोई ठोस कार्य कोई योजना नहीं थी। बेरोजगार सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है और समाज के अन्य वर्ग भी इस सरकार से पीड़ित है। महंगाई चरम पर है, आए दिन खाद्य पदार्थों में और अन्य जरूरत के सामान में मूल्य वृद्धि लगातार होती रहती है, जिसका सीधा सीधा असर गरीब जनता पर पड़ता है और उसको दो वक्त की रोटी खाना भी भारी काम हो गया है। जहां तक कैंट विधानसभा की बात है तो पिछले लगभग 30 साल से भाजपा का श्री विधायक है, परंतु 30 सालों में कैंट विधानसभा में कोई ऐसा एक भी उत्कृष्ट कार्य नहीं हुआ है जिसको भाजपा विधायक अपनी उपलब्धि बता सके। केवल और केवल कैंट विधानसभा में जनता की दुर्दशा और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज हमने अपनी कैंट विधानसभा के अंदर जो हमारे कैंट के प्रमुख लोग हैं उनको बुलाकर हमने बैठक करी है, उसमें हमने विस्तार से चर्चा करी है कि हम 2022 में यहाँ पर चुनाव के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाएं। हमारे ब्लॉक लेवल के सारे कार्यकर्ता, हमारे विधानसभा के सारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तर के सारे कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए और हमने आगामी 2022 के संदर्भ में हमने यह रणनीति बनाई कि किस प्रकार से हम आगे के चुनाव को फतेह कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारी परिवर्तन यात्रा को एक अपार जन समर्थन मिला, तो उससे साफ होता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया, तो उससे लोगों ने अपना मन बना लिया है कि 2022 में जब उत्तराखंड के अंदर चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस का साथ देकर भारतीय जनता पार्टी की जुमले वाली सरकार की विदाई यहाँ से करेंगे।